माइक्रोपूर्णवरती शत भगवान यांचं पुन्हा एकदा आपण आवाज ऐकणार आहात, ज्यांनी महाराष्ट्रातल्या अनेक स्पर्धा निश्चितच आपल्या मंत्रमुग्ध करणाऱ्या आवाजानं गाजवलेले आहेत. तर ऐकूया मराठीमधून शत भगवान माइक्रोपूर्णवरती. मैदानावरती फलंदाजीसाठी मात्र आपण पाहतोय गणेश बाजवून परतलाय. गणेशची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये राहुल. आज सकाळच्या सत्रातील पहिल्या सामन्यामध्ये 75 धावांची खेळी करणारा फलंदाज मात्र आपण मैदानावरती पाहतोय राहुल. स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक ज्याच्या नावावरती जमाय तो खेळाडू मैदानावरती आलाय राहुल. गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहतोय गोलंदाज सतीश. सामन्यातलं दुसरं षटक आखोट टप्प्याचा चेंडू समाचार घेण्याचा प्रयत्न आहे. फटका फसलाय फलंदाज मात्र बाद. अगर ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली का वो कैच पकड़ते तो कहानी कुछ अलग होती. देखिए राहुल का कैच आपने पकड़ा है और जो ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 75 बनाए थे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, तो सही वक्त पर सही शिकार आज सतीश ने किया और अच्छा कैच, बहुत ही शानदार कैच विजय ने लिया, महेश ने लिया, बहुत बढ़िया तरीके से जज किया कैच था जिसकी जरूरत थी. पकड़ो कैच जीतो मैच, ये फॉर्मूला है आपको नहीं भूलना है. मोटा धक्का बिग विकेट ह्यूज विकेट बैक टू बैक टू विकेट गोल्डन बॉल हैट्रिक बॉल हैट्रिक बॉल वन बाउंस फोर. थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और बढ़िया तरीके से गेंद को देखा, परखा, भापा और खेल दिया कवर के ऊपर से. एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज विजय के बल्ले से. चौके के साथ इन्होंने आगाज किया. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पुनः एकदा मोटा पटका है चेंडू हवेत आहे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. आणखी एक मोटा धक्का आणखी एक फलंदाज बाद. इम्पोर्टेंट विकेट बल्लेबाज विजय को बहुत बढ़िया शुरुआत मिली थी. शानदार स्ट्रोक ऑफसाइड पर इन्होंने खेल दिया था. उसके बाद में दोबारा बॉटम एंड का इस्तेमाल, ज़्यादा बैट स्विंग बड़ा नहीं था, बैकलिप का पूरा इस्तेमाल नहीं था, इसीलिए लॉकअप क्षेत्र में बहुत बढ़िया तरीके से एक अच्छा कैच लपका गया. और इस ओवर में सतीश ने बहुत बड़े 3 झटके दिए हैं. शानदार गेंदबाजी रही है. स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर. एक जबरदस्त स्पेल मात्र आपल्याला पाहायला मिळतो सतीशचा. एका षटकामध्ये 3 दिग्गज फलंदाज. आज सकाळी ज्या संघाचं प्रदर्शन आपण पाहिलं, 103 धावांचा डोंगर ज्या संघाला उभा केला तो संघ मात्र बॅकफुटवरती आपण पाहतोय. क्रिकेटच्या मैदानावरती आपण पाहतोय हिरो या झिरो. पहिल्या सामन्यामध्ये 75 धावांची खेळी करणारा राहुल मात्र दुसऱ्या सामन्यामध्ये पहिल्याच चेंडूवरती बाद होऊन परतलाय. हे क्रिकेटचं मैदान आहे. गोलंदाजी मार्गवरती सतीश. नवीन फलंदाज डावखुरा फलंदाज योगेश. स्मशान शांतता मात्र आपण पाहतोय स्टेडियमवरती. सन्नाटा हा चेंडू. नशिबाची थोडीशी साथ मिळाली आहे. ब्लॉक होलमध्ये टाकलेला चेंडू मात्र आपण पाहतोय. नक्कीच या चेंडूवरती एक धाव एका धावेने धावपलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 16 धावा धावपलकावरती. नक्कीच डिक्लेअर झोन आहे परंतु त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता. त्या क्षेत्ररक्षकाने तो चेंडू हाताळला. क्षेत्ररक्षकाने चेंडू क्षेत्ररक्षित केला. दोन्ही पंच देखील आपसामध्ये चर्चा करतायत. पाहूया फलंदाज बाद असेल नक्कीच, कारण त्या ठिकाणी डिक्लेअर झोन जरी असला तरी त्या ठिकाणी खेळाडू आहे. देखिए एक तरफ अंपायर का इशारा क्या वो भी देखना बहुत जरूरी है. अंपायर ने क्या वो डिक्लेअर दिया है, तब तक आपको भागना भी पड़ता है. तो एक रन
एक रन आपको जरूर मिलेगा, सिंगल जरूर मिलेगा, और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 16 पर। बहुत मायने रखता कि अंपायर का सिग्नल क्या है, वो कमेंटेटर को भी देखना है और खिलाड़ी को भी देखना है। आणखी एक धक्का मात्र आपण पाहतोय मैदानावरती। समोरचा फलंदाज सूरज पवार, आता मात्र सगळी सूत्र त्याच्याकडे आहेत। यावेळी मात्र चांगला फटका खेळला क्षेत्ररक्षक दूरवरती, जोपर्यंत सीमारेषेवरून धावत येतो क्षेत्ररक्षित करण्याचा प्रयत्न करतोय, तेपर्यंत एक धाव मात्र सूरजला। मात्र आता शेवटपर्यंत फलंदाजी करावी लागेल, कारण या षटकामध्ये आपण पाहिलं की सुरेख गोलंदाजी केली, फलंदाज बाद होत गेले एका पाठोपाठ एक मोठे धक्के। संघ थोडासा बॅकफूट वरती आहे, संघ थोडासा अडचणीमध्ये आहे, कठीण काळामध्ये संघर्षाच्या काळामध्ये स्वतःला समजून सांगा, सामना अजून संपला नाही, शर्यत अजून संपली नाही, कारण 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 मी अजून जिंकलो नाही। और सूरज के पास वो काबिलियत है, बल्लेबाजी कर सकते सकारात्मक सोच के साथ, दबाव को झेलना इनको आता है। अब समय मतलब वो 12 गेंदे हैं, वो 12 गेंदों में से कितने गेंदे आप बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपको आखिर तक खेलना है। और दूसरी तरफ से एक विकेट मिलेगा तो बात बनेगी। अच्छी गेंदबाजी की है पहले दो ओवर में महेश और सतीश ने, अगदी बरोबर सांगितलं सर की 12 चेंडू आहेत, सूरज सारख्या फलंदाजाकडे ती ताकद ती क्षमता आहे, 12 पैकी 6 चेंडू तो कमीत कमी षटकारासाठी पाठवू शकतो, ती ताकद आहे, ती क्षमता आहे त्याच्याकडं। त्याच्यामुळे काही काही वेळा आपण पाहतो की क्रिकेट हा केवळ ताकदीचा खेळ नाहीये। पहिला चेंडू, यावेळी मात्र स्वागत केलंय षटकार, व्हाट अ शॉट, ऑल राईट। वेर टेस मीट्स ट्रेडिशन, आप देख रहे कहां गेंद गई थी, बहुत बढ़िया स्टोक था ये बल्लेबाज का। पुनः एकदा सूरज इज ऑन फायर, सूरज पवार, पावर ऑफ पवार, षटकार। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है, और बहुत ही बेहतरीन दबाव में किस तरह से खेलना है सूरज को बहुत अच्छी तरह से पता है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सीधे बल्ले से खेल रहे, दर्शन स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज सूरज द्वारा। आकाशातला सूर्य काहीसा ढगाळ लपलाय, परंतु मैदानावरचा सूरज मात्र आग ओकणारी फलंदाजी करावी लागेल। सूरजला माहित आहे आर या पार, डो आर डाय, अभी नहीं तो कभी नहीं। पुन्हा एकदा हा चेंडू मात्र नक्कीच नक्कीच पाठलाग सुरू आहे, चेंडू मात्र सीमारेषा पार, परार चौकार। कहानी एक विकेट से भी बदलती है, कहानी एक साझेदारी से भी बदलती है, और पिछले 3 गेंदों में जो दबाव था वो बिल्कुल कम कर दिया, प्रेशर रिलीज किया सूरज ने, 2 सिक्सर और 1 चौका, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय सूरज। ओहो, लॉलीपॉप, गोल्डन लॉलीपॉप, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, गुड कम बैक, चांगला चेंडू टाकला, 2 षटकार 1 चौकारानंतर मात्र एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतो, गोलंदाजाला मात्र कम बैक केलंय सूरजने, मात्र या षटकामध्ये दर्जेदार फलंदाजीचं प्रदर्शन। पुन्हा एकदा सज्ज होतोय सूरज पवार, पावर ऑफ पवार मात्र मैदानावरती दाखवणार का सूरज। ओ त्रिपळा उद्ध्वस्त केलाय, त्रिपळा उद्ध्वस्त केलाय, सेलिब्रेशन। इवेंटफुल ओवर रहा है, जिस तरह से देखे 3 अच्छे स्ट्रोक, उसके बाद में गति परिवर्तन किया गया था, एक बार हवा में फंस गए थे, दूसरी बार अगर देखे तो बिल्कुल स्टंप के अंदर गेंद थी, और इससे सूरज बहुत निराश रहेंगे। स्कोर अगर देखे तो रन संख्या 33 रन, अब परेशानियां बढ़ती भी, क्योंकि 5 विकेट, आधी टीम डगआउट में बिल्कुल आराम फरमा रही है, उसमें सूरज का बेशकीमती विकेट सागर को मिला है, जिनके खिलाफ आज बागवान साहब हमला हुआ, लेकिन डटकर अच्छी गेंदबाजी, सामने गेंदबाजी की, ज्यादा आगे गेंदबाजी की, फ्लाइटेड गेंदबाजी की, और फायदा भी मिला। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सचिन, सूरजला माहित होतं इथं प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला चौकार षटकार मिळणार नाहीये, चांगला चेंडू आहे सन्मान दिला पाहिजे, खराब चेंडू आहे समाचार। अगदी काहीसा निराशा चेहऱ्यावरती सूरजच्या जाणवते, परंतु त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सचिन, सचिनच्या बॅटमध्ये स्ट्रोक, प्रेक्षणीय स्ट्रोक खेळलाय, चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल करतोय, सीमारेषा पार, चौकार।
क्या स्ट्रोक था, बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, एक कदम थोड़ा आगे लेके आए और कवर और स्ट्रे कवर के बीच जो फासला था उस फासले को चीरती भी गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। एक दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक था। स्कोर अगर देखे तो रन संख्या 37 सचिन ना मात्र आल आल पैला चेंडू वरती चेंडू सीमा पार पाठला है। मध्यंतरी सर अपन पाहिलं व्हाट्सअप वरती ट्वीट, एक सीमा होती जी सचिन साठी सीमा पार आली आणि एक सचिन होता जो सीमा पार चेंडू पाठवायचा, तो सचिन मैदानावरती आपण पाहतो। एक चौकार मात्र सचिन वसूल केलाय। आता मात्र शेवटचे 6 चेंडू, सीमा आणि रेखा म्हणजे अगदी त्यांच्या जवळ बसलेले प्रेक्षक भरपूर खुश असतील। 6 चेंडू, पुन्हा एकदा तोच प्रसंग आहे। मी नेहमी सांगतो जगामध्ये दोन गोष्टी प्रसिद्ध आहेत, कोरोनाची महामारी आणि शेवटच्या षटकातील हाणामारी। 6 चेंडू बाकी आहेत, पुढच्या 6 चेंडूवरती काय होतंय जाऊया पुन्हा एकदा मैदानात। गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज मोहन प्यारे, स्ट्राइकचा फलंदाज सचिन। हा चेंडू नक्कीच 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 वाइड बॉल कॉल, डाव्या इष्टीच्या खूपच बाहेर असणारा चेंडू, वाइड बॉल कॉल। एक अतिरिक्त धाव, अतिरिक्त धावीने धावपलकावरती धाव संख्या जाऊन पोहोचली 38 धावा धावपलकावरती। या षटकामध्ये मात्र धावांची बरसात करावी लागेल, मोठा फटका आहे परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय। यावेळी मात्र झेल टिपलाय, सही पकडे इस बार। नई गेंद नई कहानी, जो नियम बनाया गया है अगर बल्लेबाज आउट हो जाता है कैच आउट हो जाता है तो नए बल्लेबाज स्ट्राइक रेन की तरफ आएंगे। जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया था वो नॉन स्ट्राइक रेन की तरफ जाएंगे। तो मोहन प्यारे वारे वारे आपके वारे न्यारे, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर अगर देखे तो रन संख्या 38 रन, यहाँ प्रेशर बनाया गेंदबाजों ने। तो फिर से एक बार पुनः एक बार बात हुई नवीन फलंदाज सचिन, सचिन जाधव। क्या सचिन जाधव, छोटा पैक बड़ा धमाका। क्लीन बोल्ड, आणखी एक फलंदाज बाद, बैक टू बैक। रिशद भाई खेल बदला है, बिल्कुल राजनीति और क्रिकेट बिल्कुल हमेशा रंग बदलता रहता है, क्रिकेट का खेल भी उसी तरह से है। उमरंड ने पहले मैच में 100 से ज्यादा रन बनाए थे, आज इस मैच में संघर्ष हो रहा है क्योंकि सामने से बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन निमसोड़ के गेंदबाजों द्वारा। अगदी अगदी बरोबर सर, परंतु जर आपण पाहिलं तर आपल्याकडे म्हटलं जातं सरडा सर्वात अगोदर रंग बदलतो, परंतु क्रिकेटचं मैदान सरड्यापेक्षा कमी वेळेमध्ये रंग बदलतं। आकोट टप्प्याचा चेंडू होता, चेंडू खेळलाय क्षेत्ररक्षक असेल नक्कीच एक धाव असेल, परंतु संघर्ष मात्र खूप मोठा। ज्या संघानं पहिल्या सामन्यामध्ये 103 धावांचा धमाका 103 धावांचा बिग ब्लास्ट, तो संघ मात्र आता थोडासा बॅकफूटवरती, परंतु एक क्रिकेट आहे, शेवटच्या चेंडूपर्यंत क्रिकेटचा थरार। आणि अगदी जर आपण पाहिलं तर पृथ्वीराज चषक 2023 वर्ष पर्व 90। मोहनचा हा चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, काय जबरदस्त कमबॅक, जबरदस्त कमबॅक। आता मात्र सूरजला खऱ्या अर्थानं सूरजच्या चेहऱ्यावरती आपण पाहतोय, कारण त्याला माहित होतं पहिल्या 3 चेंडूवरती धावा आल्या होत्या, चौथा चेंडू डॉट जरी खेळला असता तरी नंतर त्याच्याकडे ती क्षमता ती ताकद। फलंदाज बाद इरशाद भाई, फनी मोमेंट है, फनी मोमेंट है। कल हमने कबड्डी का खेल देखा था, उसमें एक वीडियो देखा था, पकड़ना था किसी को, पकड़ने की कोशिश हो रही थी किसी को, जो एक बार फिर मिडलाइन की तरफ जा रहे थे। अभी भाई दिमाग की बत्ती को आप जलाइए, नहीं तो परेशानी हो सकती थी। ये
कैच, सफलता मिलती भी गेंदबाज राहुल को। रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नंबर 3 पर रोहन को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को कट करना चाहते थे बल्ले का अनुरी किनारा, गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। बहुत ही जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ। पृथ्वीराज चषक 2023 दूरबाल रेंज से गेंदबाजी करने के राहुल, सामना करेंगे रोहन। ऑन साइड पर पुल किया, पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल 6 रन। सुमंदु छक्का, दमदार शॉट। इर्शाद बक क्या कहना, जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, बल्लेबाज रोहन के बल्ले से छक्का, स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है 12 पर। इस पारी की बात करें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, पहली गेंद छक्का, विकेट है बिंद गेंद। इस बार ऑन साइड पर डिस्को, लेग बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला। 4, बिल्कुल 4, करर अपहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। अच्छी बल्लेबाजी पर रोहन द्वारा, 10 पर गया बल्लेबाजी कर रहे। स्कोर अगर देखे तो रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन। राहुल के ऊपर हमला, अच्छी गेंद थी, टप ऑफ टप के बाहर, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे पर पहले ओवर का खेल इवेंट पर ओवर के समाप्त थी। रन संख्या 16 रन जीतने के लिए स्कोर अगर देखे तो 43 रनों का टारगेट रखा गया है। पश्चिम महाराष्ट्र का एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट और टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप पश्चिम महाराष्ट्र का चल रहा है। पृथ्वीराज मिल्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट, क्रिकेट तेजस नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए। सूरज गेंदबाजी करने के तैयार, राइट ऑफ ओवर द विकेट, छोटी गेंद पर प्रहार किया गया, गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए 6 रन। सेलिब्रेशन हो रहा है, डगआउट से तालियां बजती हुई, डगआउट से आवाज आ रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोन वाघांची झुंज, दोन तुल्यबळ संघ, दोन मातब्बर संघ, दोन दादा संघ ज्यावेळी स्पर्धेमध्ये आमने सामने असतात त्यावेळी असे सामने पाहायला मिळतात। एका संघाचं म्हणणं आहे नाद करा पण आमचा कुठं, दुसरा संघ नादाला आमच्या लागू नका। बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर, पहली बार मैं देख रहा हूँ रिएक्शन डगआउट से भी आई है, इससे पहले रिएक्शन बिल्कुल मैदान के अंदर सूरज द्वारा। आवाज आना शुरू हो गया है, सांप और नेवले के बीच लड़ाई है बीच मैदान पर, क्या मुकाबला चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, दोन वाघ, दोन वाघ, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तेजस। इस बार अच्छी गेंद, टपकाने के बाद अंदर की तरफ आए, एफर्ट लगाया था, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया है। अब थोड़ा सा मैच गर्म होता बाप, सुमेस्ती की बात करें तो सुमेस्ती का जो आइसक्रीम है बहुत ठंडा है लेकिन मार्केट में बहुत चल रहा है। इस वक्त मैच बहुत गर्म है, मैच बहुत गर्म चल रहा है और जीतने के लिए 15 गेंदों में 20 रनों की जरूरत, ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन मैच बहुत अच्छा है। 15 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता, 15 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता। मैदानावरती रंगतोय क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम आणि क्रिकेटचा थरार। पृथ्वीराज चषक 2023 तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा मात्र मैदानावरती। सूरज तैयार अपने बोलिंग मार्ग पर, गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे बल्लेबाज रोहन जो 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो शेर एक दूसरे के खिलाफ, गेंदबाजी करने के लिए सूरज पवार। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया खिलाड़ी है, छोड़ दिया कैच, भाई आपने क्या छोड़ा यह मैच। गेंद बॉल की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए, अच्छा बाउंसर था, हुक भी किया गया था, फंस गए थे बल्लेबाज, स्क्वायर लेग पर खराब फील्डिंग, झेल सुटलाय। क्रिकेटच्या मैदानात चुकीला माफी नाही, त्याची केवळ शिक्षा मिळते, झेल सुटलाय, चौकार मिळालाय। क्रिकेटच्या मैदानावरती तुम्हाला सनी देओल सारखं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिळणार नाही। इथं फैसला ऑन द स्पॉट मिळालाय मोठा चौकार। 14 गेंदों का खेल आना बाकी, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद दी है। सांप और नेवले के बीच मुकाबला है, दो शेरों के बीच मुकाबला है, गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग छिड़ी हुई है। अब 13 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। सूरज तैयार, टॉस गेंद, ऑन साइड गेंद, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया खिलाड़ी बॉन्ड पर तैनात, एक रन मिलेगा। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास रोहन, 12 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। हल्के वाले बाबू आइए भाई, एक बार फिर बजाइए, माहौल बनाइए, शानदार कड़क मैच, रोचक मुकाबला। बारह गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत,
झाडाच्या मागे जेवढे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे, सामना कुरुशील आहे, आपला संघ देखील थोडस पाठीमागे, सामना थोडस पाठीमागे, आपले खेळाडू थोडस धनगर मंडी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। नाउ रिमेनिंग 20 मिनट्स एंड नीड अंपायर एक मिनट मुन्ना सर रन थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा सा पार्टी मांगा, मैच बिल्कुल कड़क चल रहा है, रोचक चल रहा है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्पर्धे की फाइनल 18 तारखेला है, परंतु आज या स्पर्धे मध्य पहले दिवस फाइनल का फील अपन अनुभवतो। ये तो सिर्फ झाकी है, ये तो सिर्फ झाकी है, फाइनल अभी बाकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। ऑफ टर्न के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है, अंपायर का क्या इशारा, नो बॉल, ओ नो नो नो, बीच मैदान पर थोड़ी सी आता मात्र सर गोलंदाजी करणाऱ्या संघाची अवस्था झाली आहे, आधीच कर्ज बाजारी त्यात उसना मागतो शेजारी, हा नो बॉल अवांतर धाव, पुढचा चेंडू फ्री हिट। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, लॉन्ग आउट क्षेत्र में खिलाड़ी बिल्कुल बॉडी नेट पर तैनात है, एक रन मिलेगा। पहली गेंद पर व्हाइट बॉल, दूसरी गेंद पर सिंगल है, आपके पास 11 गेंदे हैं और 13 रनों की जरूरत है, ज्यादा फासला नहीं है। यहाँ हौसला, हौसला बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपके पास हौसला है तो आप घोसला बना सकते हैं। इस वक्त तो ये दबाव झेलना बहुत जरूरी, स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल तैयार रहते हैं जो 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे उछाला ऑन साइड पर, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी और लिया कैच, बल्लेबाज आउट, मैच ऑन। बिल्कुल आपने सही कहा, ये फाइनल नहीं है, लेकिन पहले दिन में वैसे लग रहा है कि फाइनल का मुकाबला। मैंने एक बात बताई थी, वैसे खाली डोल भी कोई बजा सकता है, लेकिन बजाने वाला कौन है वो देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है इतना माहौल बन गया, दिमाग को भाई ठंडा रखिए, चाहे बल्लेबाज हो, चाहे गेंदबाज हो, चाहे फील्डर, दिमाग के बत्ती को जला के रखिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। मी नेहमी सांगितले की क्रिकेटच्या मैदानावरती तुम्हाला जर एक चांगला फलंदाज व्हायचा असेल तर तुम्हाला विराट कोहली सारखी आक्रमकता आणि राहुल द्रविड सारखा संयम पाहिजे। जागतिक क्रिकेटमध्ये राहुल द्रविड एकमात्र असा फलंदाज आहे, लागोपाठच्या 173 सामन्यांमध्ये राहुल द्रविड शून्यावर कधीही बाद झाला नाही। पहिली धाव घेण्यासाठी त्याने 10 चेंडू खेळला, परंतु त्याच्याकडचा तो संयम महत्त्वाचा आहे। इथं गरज आहे तुम्हाला, इथं गरज आहे, फक्त तुम्हाला इथं बेरजेचं राजकारण करायचं मैदानावरती, बेरजा धावा आणि एखादा चेंडू तुमच्याकडून निर्धाव गेला तर पुढच्या चेंडूवरती ती ताकद आहे, एक बडा हिट मुकाबले को खत्म कर सकते। इर्शाद भाई बिल्कुल एक बार इसके ऊपर चर्चा होगी। इस क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो सिंगल लेना, वो लाइफ लाइन हर बार जो बल्लेबाज भूल जाते हैं, और वैसे अगर देखे वो सिंगल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े स्ट्रोक तो चाहिए। विराट कोहली के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण हुआ, वो अभी तो नहीं बात करेंगे। हवा में गेंद है, खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है, छोटा तीर वार करे गंभीर, अच्छा स्ट्रोक, प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का। एक अच्छा स्ट्रोक, खेल बदला, मौसम बदला, छोटा पैक, बड़ा धमाका। ये देखिए इस तरह कुछ बार ऐसे होता है कि बाहर से भी आवाज जाती है, तो खिलाड़ी का कॉन्सेंट्रेट, ये तो अच्छा है कि इंटरनेशनल स्टेडियम में बाहर से कोई विराट कोहली को नहीं बताता कि अगली गेंद पर तुझे छक्का मारना है, फिर तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो पानी लेकर आता है ना बंदा, वो बिल्कुल बताता है, लेकिन इस वक्त अगर देखे मैच में विकेट कीपर और बल्लेबाज के बीच बिल्कुल चर्चा हो रही है, 9 गेंदों का खेल, 7 रनों की जरूरत है, ये मैच जीतने के लिए सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मैदान के अंदर हो रहा है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत सारी स्लेडरिंग, बहुत सारी चीजें, उड़ाई आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है, गेंद के नीचे आ रहे हैं, क्या ये कैच हो जाएगा, बिल्कुल शानदार फील्डिंग, कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है, जबरदस्त फील्डिंग, 2 रन मुकम्मल किए हैं, क्या तीसरे के बारे में सोच रहे, तीसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 8 गेंदों का खेल, 8 गेंदों में जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है, इसका मतलब है उम्र ने टीम के लिए इर्शाद भाई विकेट चाहिए, विकेट मिलेगा तो कमबैक करने का मौका, नहीं तो सामने से आज निमसोर टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। 8 चेंडू मध्ये 5 धावांची आवश्यकता, प्रेक्षकांचा अभूतपूर्व असा उत्साह आपण पाहतोय, 8 चेंडू 5 धावा, षटकार किंग षटकार मारून आपल्या संघाला विजय मिळवून देणार का, या मात्र चेंडू खेळला, क्षेत्रक्षक दूरवरती आहे, चेंडू मात्र जातोय सीमारेषेकडे, सुंदर क्षेत्ररक्षण, क्या भागने की जरूरत है, बिल्कुल या खतरा हो सकता है, खतरा फलंदाज बाद, फलंदाज उंगली खड़ी होती भी, जरूरत नहीं थी भागने की, बहुत अच्छा खेल रहे था। ऑल राइट ऑल राइट, 4 रनों की जरूरत है,
स्पर्धा अगदी सर आपण पाहतो पहिल्याच दिवशी प्रेक्षकांचा देखील अभूतपूर्व उत्साह आणि स्पर्धेचे सर्वे सर्वा चव्हाण साहेबांच्या चेहऱ्यावरती देखील आपण पाहतोय त्याचं समाधान. एक मोठी स्पर्धा, ग्रामीण भागातील खेळाडूंना न्याय मिळवून देणारी स्पर्धा. मी कालच साहेबांना सांगितलं की एक लग्न करून देणं सोपं आहे, परंतु इथं 69 नवरदेव आहेत. याचा अर्थ 69 संघ आहेत, प्रत्येक संघाच्या संघनायकाचं काहीतरी म्हणणं आहे आणि ते साहेबांना ऐकून घ्यायचंय. मैदानावर जाऊया पुन्हा एकदा, साथ घेतो का खेल, जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. मैदान में जंग में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज. अब आगे गेंद को सुरस्त हो, गेंद बॉल लेके बिल्कुल बाहर, सेलिब्रेशन करने का मौका. अक्षय के बल्ले से दर्शनीय स्ट्रोक. यह मुकाबला निपसुन ने अपने नाम पर कर दिया है. आज एक बार फिर नगाड़ा भी बजा मैदान के अंदर. बहुत सारी चीजें हुई जो दर्शकों ने देखी है. पैसा वसूल मैच हुआ, रोचक मुकाबला समाप्त हुआ. नील सर कॉन्ग्रेचुलेशन. खेळाडूंना, प्रेक्षकांना, समालोचकांना, आयोजकांना, याच्यापेक्षा सगळ्यात जास्त आज आनंद हलगीवाल्यांच्या चेहऱ्यावरती दिसतोय. और पिछले साल इसी टीम ने पूरे दिन में अपना जलवा दिखाया था, शानदार प्रदर्शन किया था. आज उनको टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा है. उमरडे इस टीम का सफर समाप्त हुआ. परिवर्तन ही संसार का नियम है. बिल्कुल, निमसो टीम ने बहुत अच्छा था खेल किया, चाहे गेंदबाजी. सर आप कहते हैं, मैंने अक्सर बहुत बार सुना है आपकी कमेंट्री में परिवर्तन के बारे में आप कुछ कहते हैं. परिवर्तन ही संसार का नियम है, बदलाव तो जरूर होगा. खेल में बहुत सारी चीजें